Assalamu alaikum students, I hope everyone is safe, fine and healthy. Let's start our lecture today. Open your book, open the page number 10. Students, draw and color. Yahan par aapne students jo hai water animals banane hain. Yahan par kuch water animals bane hue the, unme se kuch animals maine yahan par कुछ बनाए हैं, एक दो तीन चार और सात छोटे छोटे से फिशेस बनाई हैं. इसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं की. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सब बनाने कैसे हैं. मैं आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी के ऊपर जो है वो बनाना बता देती हूँ. ये एक एक्स्ट्रा स्केच पैड है, इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है जो है डिफरेंट एनिमल्स. इसमें से मैंने क्रैब बनाया है, उसके अलावा टर्टल बनाया है, फ़िश बनाया है, स्टार फिश बनाई है. आपने सबसे पहले तो नीचे वाले पूरी पेज को जो है लाइट ब्लू कलर कर लेना है. उसके बाद आपने इसके ऊपर एनिमल्स जो हैं वो वाटर एनिमल्स या वाटर क्रीचर्स जो हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं. और अब आप देख लें कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है, एनिमल्स आपने कैसे बनाने हैं. मैं आपको डायरेक्ट मार्कर से ही बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है. सबसे पहले हम बनाते हैं टर्टल. एक ऐसे सर्कल बना लिया, उसके बाद एक बड़ा सा सर्कल बना लिया एंड देन उसके हाथ बना लिए इस तरह से करके, और यहाँ पे इसका आई होप स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में. उसके अलावा फ़िश जो इन्होंने बनाई हुई है, मैंने वही फ़िश बनाई थी. फ़िश मैं आपको दूसरे से बना के दिखा देती हूँ. उन्होंने कुछ इस तरह से फ़िश बनाई हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा हम एक स्टार फिश बना सकते हैं इसमें. एक क्रैब बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्कल बना ओवल्स टाइप सा बना लें एंड देन इस तरह से उसके बाकी बॉडी पार्ट्स बना लें. आप चाहे इसके नीचे जो है वो लेग्स रख लें या ऊपर, ऐसे ही दो छोटे छोटे सर्कल बना के उसके बाद क्या करें, यहाँ से ऐसे बना लें, ठीक है. उसके अलावा ऑक्टोपस है, मैं आपको ऑक्टोपस भी बनाना बता देती हूँ. इस साइड पे हम ऑक्टोपस बना लेते हैं. सबसे पहले क्या करें आप, इस तरह से बना लें. उसके बाद क्या करें, एट लेग्स होती हैं ऑक्टोपस की, आप एक एट टाइम इस तरह से कर लें, 1 2 3 4 5. ये मुझे लगता है कम ही ना हो जाए. चलें ये पूरी हो गई हैं. और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको. एनिमल क्रीचर्स इस तरह से आपने बना लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है. इसके अलावा कोई और एनिमल क्रीचर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपने काम कंप्लीट करने के बाद मुझे इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.